देखो इसमें इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, लास्ट क्वेश्चन की। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना है। दो पार्ट्स में निकालेंगे, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पी डी वी, वन मोल के लिए पी इज आर टी बाई वी। वी क्वेश्चन में ए बाई टी की वन है, डी वी को डी टी में कैसे कन्वर्ट करना है, वी का फॉर्मूला लिखें, टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएट करें, डी वी डी टी की फॉर्म में आएगा, डी वी को पुट कर दें। सॉल्व करके टी वन से टी टू निकालें, टी वन माइनस टी टू और टी वन के लिए मैं डेल्टा टी, वर्क डन आ गया। डी यू निकालने के लिए वन सी वी डी टी, टी वन से टी टू डेल्टा टी, डेल्टा यू आ गया। डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू विल गिव डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू में पुट कर दें डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू, सॉल्व करके आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन से पहले ये वाला क्वेश्चन भी करें, एक मिनट पहले। वो क्वेश्चन सेम ही है जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते आए हैं, वो घर में समझ में आएगा आपको। टू मोल्स ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी नॉट इज 300 केल्विन इज कूल्ड आइसोकोरिकली एंड प्रेशर इज हाफ्ड। उसके बाद देन आइसोबारिकली ताकि टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाए, टोटल हीट एब्जॉर्ब निकाल लो। देखो इन क्वेश्चन को ना मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि पहले प्रेशर पी टी नॉट और वी है, आइसोकोरिक में क्या होता है प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम रिमेन सेम। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम सेम है, प्रेशर अगर हाफ हो गया तो टेम्परेचर भी हाफ, तो टेम्परेचर को हाफ। फिर आइसोबारिक में प्रेशर विल रिमेन सेम, और क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम को डबल कर दिया तो टेम्परेचर भी डबल, तो टेम्परेचर को डबल वॉल्यूम डबल। तो ये इनिशियल फाइनल कंडीशंस क्लियर है। आपको टोटल क्या निकालना है, हीट एब्जॉर्ब निकालनी है। तो हम हीट एब्जॉर्ब इसमें अलग निकाल लेंगे, इसमें अलग निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब आइसोकोरिक के अंदर क्या है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ से डी डब्ल्यू जीरो, तो डी क्यू एंड डी यू वन एंड द सेम थिंग, और डी यू निकालने का तरीका वन सी वी डी टी, या टू मोल की जगह वन मोल कर लो प्लीज पहले, तो क्योंकि मैंने कैलकुलेशन वन मोल के साथ की है। तो यहां पर वन सी वी डी टी, और सी वी मेयर्स रिलेशन से पता है आर बाई गामा माइनस वन, और डी टी की जगह ऊपर से चेक कर लो फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डी क्यू आ गया। फिर दूसरा प्रोसेस आइसोबारिक है, आइसोबारिक में प्रेशर डी क्यू डैश निकालना है, तो इसमें इसकी जगह तो वन सी वी डी टी, इसकी जगह पी डी वी, तो इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट है, सी वी की जगह आर बाई गामा माइनस वन इंटू डी टी, और इसकी जगह पी बाई टू, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट चल रहा है दूसरे प्रोसेस में, और वॉल्यूम की जगह फाइनल माइनस इनिशियल, डी टी इज फाइनल माइनस इनिशियल डी क्यू डैश। टोटल हीट एब्जॉर्ब में क्या आएगा, ऊपर की हीट और नीचे की हीट, टोटल आंसर आ गया। तो टोटल हीट इतनी हो गई। हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड कैसे पता लगता है, जो हीट नेगेटिव आई है वो हीट रिजेक्टेड है, जो हीट पॉजिटिव आई है वो हीट एब्जॉर्ब्ड है, और नेट हीट में दोनों का सम है। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा निकालो आइडल गैस के लिए जब प्रेशर कांस्टेंट है, क्लास में किया था, इसका आंसर 1 बाय टी था, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन में करवाया था। तो इसमें ये ऐसे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला पता है, एक्सपैंड किया वी डैश माइनस वी इज डी वी, तो गामा की ये डेफिनेशन है। गामा की डेफिनेशन में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वी डी टी, तो डी वी की जगह पुट करेंगे एन आर डी टी बाई पी, ये रहा, और यहां पर ये वी डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, तो ये टर्म आ गई, और यहां पर पी वी क्या होता है एन आर टी, तो सॉल्व करके वन बाई टी। वैसे ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने एक्सपेंशन में। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व गिवन है, आपको ये बताना है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका कम है। तो याद रखना कि इसमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो टेम्परेचर इज पी वी बाई एन आर, तो एन और आर तो कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स और आर तो कॉन्स्टेंट, जिसका पी और वी का प्रोडक्ट बड़ा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। और कर्व बता रहा है कि ऊपर की कर्व का पी इंटू वी का प्रोडक्ट बड़ा होगा नीचे से, तो टी टू ग्रेटर देन टी वन है। कैसे देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। सेम क्वेश्चन फिर आया, कह रहे इसमें पी और वी के ग्राफ को देखते हुए ये बताएं कि किस गैस का मास ज्यादा है किसका कम है। इक्वेशन वही है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे एम बाई एम, यहां से मास एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ, तो फिर वही चीज, ना तो ये चेंज हो रहा ना ये, ना ये, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू वी का प्रोडक्ट,
तो फिर से पी इन टू वी का प्रोडक्ट ऊपर वाली गैस का एम टू का ज्यादा है, तो एम टू ग्रेटर देन एम वन, सेम चीज। जैसे ये एक लाइन का ग्राफ है, इसके अंदर पी और टी का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, आपको ये बताना है कि इसमें बी का वॉल्यूम बढ़ा है ए से कि ए का वॉल्यूम बढ़ा है बी से, वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है। ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होता। तो किसी ने कहा सर अगर ये ग्राफ ओरिजिन से पास होता है कि नहीं होता, उससे पता क्या लगता है? देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो इसमें एन और आर कॉन्स्टेंट है। अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता, अगर होता, तो उस केस में पी प्रोपोर्शनल टू टी होता और ग्राफ ओरिजिन से पास होता, पर क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से नहीं पास हो रहा तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो कोई ये ना कहे पी ए वी ए इज इक्वल टू वी बी, वॉल्यूम चेंज होगा। तो कौन बड़ा कौन छोटा वो निकाल लें। अब मुझे पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी वाई पी। वैसे तो एक लग ही रहा है कि टेम्परेचर, क्योंकि कब ऊपर की तरफ ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू प्रेशर, तो टी बाई पी बी का बड़ा होगा एज कंपेयर टू ए, तो वैसे ही बी का वॉल्यूम बड़ा होगा ए से। दिख रहा है नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, मैथमेटिकली सही। जिसका टी बाय पी की रेशियो बड़ी होगी उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैन बी रिटन एज मैथमेटिकली वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस में प्रेशर है, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है, और ए और बी मान लेते हैं कोई कॉन्स्टेंट्स है। तो मैंने इन जनरल कोई लाइन की इक्वेशन बना ली, टेम्परेचर से डिवाइड कर लिया, तो पी बाई टी की रेशियो आ गई। अब मुझे ये दिख रहा है ऊपर ग्राफ देख के साफ पता लगा कि ए का टेम्परेचर छोटा है और बी का टेम्परेचर बड़ा है। तो यहां से इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बी का टेम्परेचर बड़ा है तो ये रेशियो, ये रेशियो बी की कम होगी, जिसका टेम्परेचर बड़ा है ये रेशियो कम है। P by T यानी कि B का कम है, P by T अगर B का कम है तो T by P B का ज्यादा है, रेसिप्रोकल है, तो वॉल्यूम B का ज्यादा है। ये करने की जरूरत ही नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, B का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये फ्रैक्शन कम है, ये कम है तो ये कम है, ये कम है तो इसका रेसिप्रोकल ज्यादा है, तो B का वॉल्यूम A से ज्यादा है। तो आप इस तरीके से मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हो, और बस इतना ही था। बाकी आपका होमवर्क ही है, आपको खुद करने है एक बार, ये तो इनफाइनाइट है जितने मरीज चलते रहेंगे, पर इतना सफिशियंट है।